सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। कानपुर में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। देर रात 3 नकाबपोश हत्यारों ने की पति पत्नी की हत्या। बहू का कोर्ट में चल रहा केस। एटा में 2 रोडवेज बसों की भीषण टक्कर। एक बस के ड्राइवर की मौत, 14 यात्री घायल। 8 हायर सेंटर रेफर। छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म। बुलंदशहर से हापुड़ लेकर आए थे आरोपी। धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव। कौशाम्बी में 1 लाश, 2 दावेदार। 19 दिन बाद कब्र से बाहर निकाला गया शव। अब डीएनए रिपोर्ट बताएगी सूरज था या रमजान। वाराणसी लखनऊ एनएच पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। एक युवक का सिर फटने से मौत, दूसरे को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा। प्राइवेट बस ने बाइक को मारी टक्कर। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। जूते में स्मैक छिपाकर तस्करी। उत्तराखंड स्मैक ले जा रहे तस्कर को भमोरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। विरोध प्रदर्शन करने पर 41 लोग के खिलाफ केस दर्ज। अंबेडकर नगर में युवक की हत्या का केस न दर्ज होने पर आक्रोशित थे ग्रामीण। नए एसपी ने पहले विंध्याचल में दर्शन किए, फिर बैठक। इंजीनियर से बने एसपी संतोष कुमार मिश्र ने मिर्जापुर का चार्ज संभाला। इटावा में प्रशासन ने बंद की मदद। स्कूल ने काट दिया नाम। परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के बाद अनाथ हो गई थी 4 बेटियां। एक केस पर गैंगस्टर एक्ट लागू करना सही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा। आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, राज्य सरकार से जवाब तलब किया। महोबा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल। एक डॉक्टर के भरोसे ओपीडी नदारद रहे डॉक्टर, बिना इलाज लौटे मरीज। गोरखपुर के नए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने संभाला चार्ज, बोले अपराधियों में खौफ और पीड़ितों को न्याय दिलाना प्राथमिकता। अलीगढ़ में पानी के लिए सड़क पर लगाया जाम। सांसनी गेट क्षेत्र के खाई डोरा में खाली बाल्टी लेकर किया प्रदर्शन। सोनभद्र में महिला ने 2 बच्चों के साथ किया सुसाइड। बच्चों को लेकर मालगाड़ी के सामने कूदी, तीनों ने अस्पताल में तोड़ा दम। जौनपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। 8.5 लाख रुपए की गाड़ी हुई जब्त। डीएम के आदेश पर कार्रवाई। गोंडा में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। प्रलोभन और भय दिखाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए बनाते थे दबाव। देवियों के पोस्टर पर चिकन बेच रहा था व्यक्ति गिरफ्तार। मुर्गा खरीदने गए हिंदू युवा ने किया विरोध। दुकानदार ने कहा अपना काम करो। मैंगो फेस्टिवल में दिखा जब जवाब। पपीता जैसा आम देख सीएम योगी बोले, ये मीठा होता भी है या नहीं। मंत्री मन्नू कोरी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, बोले विकास के साथ कानून व्यवस्था ठीक रखे अफसर। लखनऊ में 4 महीने बाद कोरोना से मौत। सिविल अस्पताल के रिटायर्ड डॉक्टर ने केजीएमयू में इलाज के दौरान दम तोड़ा। जौनपुर में बड़ा सड़क हादसा। 4-लेन बाईपास पर फुत्तुपुर गांव के पास ट्रक पिकअप में टक्कर, 3 की मौत। अग्निपथ के विरोध में जयंत का तंज, कहा सरकार मजबूर है या किसी के हाथों में चली गई है। लखनऊ से हाजी वसीम को पुलिस ने किया अरेस्ट। कानपुर हिंसा में फंडिंग करने का है आरोप। फतेहपुर में नोडल अधिकारी ने की गंगा आरती। लोगों को घाट पर साफ सफाई रखने के लिए दिलाई शपथ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में हुए ट्रांसफर पर मंत्री ब्रजेश पाठक ने उठाए सवाल, कहा नियमों का पालन नहीं हुआ। प्रयागराज में बड़े हनुमान जी मंदिर के पास बमबाजी। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष ने जान से मारने का लगाया आरोप। 4 नामजद और 6 समेत एफआईआर। आगरा में युवक को हाथ पर बांधकर पीटने का वीडियो आया सामने। चोर समझकर पीटा, पहले पुलिस देखकर चली गई और फिर दोबारा आकर पकड़ा। गोरखपुर में रिटायर्ड फौजी को मारी गोली। जमीनी विवाद को कोर्ट से तारीख देख लौट रहे थे फौजी। विरोध में पीछे से विरोधी ने मारी गोली।
फतेहपुर में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी। टूरिस्ट वीजा पर भेज देता था बाहर, पैसा मांगने पर बम से मारने की धमकी। थाने में सिपाही को मारे मुक्के ही मुक्के। मैनपुरी के महिला थाने में पुलिसकर्मी से भिड़ा युवक, बचाने आई महिला सिपाही को भी धकेल। गोंडा में फिल्म काली के मेकर पर मुकदमा दर्ज, सिगरेट पीते हुए देवी काली के पोस्टर पर जताई आपत्ति। रामपुर में 26,50,000 पौधे लगाए जाएंगे, पौधों की टैगिंग होगी और रितिमा ऐप से पौधों की होगी देखभाल। बाराबंकी में स्कूल में सिलेंडर में लगी आग, खाना बनाते समय हुआ हादसा, 48 बच्चे थे मौजूद। गहरी नींद में सोता रहा परिवार, सुबह देखा तो माल गायब। मुरादाबाद में दीवार काट कर घर में घुसे चोर, इत्मीनान से खंगाला पूरा। बाबा विश्वनाथ की पूजा के लिए हंगामा और धरना, ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यालय में चढ़ाए जा रहे थे 51 किलो रुद्राक्ष माल। कुशीनगर में पुश्तैनी जमीन के विवाद में बुजुर्ग की हत्या, दो पक्षों में चले धारदार हथियार, लाठी डंडों से पीट पीट कर किया 24 को भय। गौतमबुद्ध नगर में शिक्षक ने फंदा लगाकर किया आत्महत्या, बरेली का युवक नोएडा के सेक्टर 108 में किराए के कमरे में अकेले रहता था। फिरोजाबाद में गैंगस्टर पिता पर 31 और बेटों पर दर्ज 11 मुकदमे, पुलिस ने कुर्क की 87 लाख रुपए की संपत्ति। कौशाम्बी में पति पत्नी की करंट से मौत, पति चारा काट रहा था, करंट लगा तो बचाने आई थी पत्नी। सुल्तानपुर में हर्ष फायरिंग के बाद कुड़वार ब्लॉक सेक्रेटरी फरार, लखनऊ हाईवे पर पति के साथ फायरिंग करने का वीडियो आया सामने। उबरा सड़क हादसे में दो होमगार्डों की मौत, ड्यूटी करके वापस लौट रहे थे दोनों, कार ने पीछे से मारी टक्कर। रायबरेली में तमंचा कारतूस के साथ ग्राम प्रधान गिरफ्तार, टॉप 10 अपराधी होने के चलते फरार था, 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ईडी का आजम खान को समान, पत्नी बेटे के साथ 15 जुलाई से पहले पूछताछ के लिए बुलाया। चित्रकूट में सीएम योगी ने वन महोत्सव किया शुरू, वन महोत्सव हरीश शंकर पौधा लगाया, 1100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट भी लोगों को सौंपे। कन्नौज में नोडल अधिकारी ने किया पौधशाला का निरीक्षण, 57 लाख रुपए लगाए जाएंगे पौधे और 21 पौधशालाओं में तैयार हुए पौधे। प्रधान संघ ने बीटीओ ऑफिस में लगाया ताला, कमीशन खोरी का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन, स्टाफ को किया गया कैंपस के बाहर। थाने में युवकों ने किया हंगामा, लात घूसे से जमकर की मारपीट, एक ने बताया खुद को आईपीएस अफसर। जालौन में महिला की गला रेत कर हत्या, घर से बाहर गई थी महिला, भाई ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। अलीगढ़ में फीस बढ़ोतरी को लेकर डीएस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गेट के बाहर किया प्रदर्शन, लगाए मुर्दाबाद के नारे। अयोध्या में रामलला की सुरक्षा का हाईटेक प्लान, परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर भक्तों को नहीं दिखेंगे हथियारबंद जवान। बिजनौर में बस ने दो बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में एक युवती की मौत, बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में अपराधियों पर कहर बंद का टूट रही है पुलिस और प्रशासन, जिले में टॉप 10 अपराधियों की संपत्ति कुर्क। देवरिया में रुद्रपुर के दो चचेरे भाइयों की बेंगलुरु में सड़क हादसे में मौत, परिवार में मचा कोहराम। फरुखाबाद में नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुरानी जर्जर सतहट्टी महल को किया गया जमींदोज, भवन को पालिका ने जमींदोज किया। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में छात्र बदमाश गिरफ्तार। हरदोई में पुलिस ने गाजीबाजे के साथ दो अपराधियों की संपत्ति कुर्क की, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के कुशल निर्देशन में किया गया कुर्क। अलीगढ़ के जमालपुर में पार्षद से मोहर लगवाने गई महिला और उसके भाई से पार्षद और बच्चों ने की मारपीट, थाने में शिकायत दर्ज। बुलंदशहर में रिजर्व पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिलाधिकारी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाजियाबाद में आगामी त्योहारों को लेकर सड़क पर उतरे कप्तान एम मुनिराज, कप्तान ने सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा।
महाराजगंज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन के भ्रष्टाचार का जांच में मामला लेकर वेलफेयर एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। मुरादाबाद में हिंदू नेता ने दिया विवादित बयान, विवादित टिप्पणी को लेकर जिला मुख्यालय पर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। अलीगढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं की महापंचायत को जयंत चौधरी ने संबोधित किया। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने चार सिपाहियों को किया लाइन हाजिर, चारों सिपाही अवैध कार्यों में थे लिप्त। आगरा में डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर हिंदूवादी संगठन का विरोध, कहा देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अमेठी में जमीन पर बैठे बुजुर्ग फरियादी का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, बुजुर्ग फरियादी का फोटो वायरल होने पर जिला प्रशासन में आरोप प्रत्यारोप। बुलंदशहर में रिटायर्ड पशु चिकित्सक के घर लाखों की चोरी, वारदात के वक्त घर से बाहर टहलने के लिए निकले थे अजब से। फरुखाबाद में शादी में हर्ष फायरिंग के बाद हुई बड़ी घटना, दो बच्चों को लगी गोली, नशे में धुत प्रधान पर गोली मारने का आरोप। कानपुर में पुलिस की महिला दरोगा की गुंडई आई सामने, महिला दरोगा दुकानदार से मोबाइल छीनती हुई सीसीटीवी में कैद। प्रयागराज जजमानी को लेकर पुरोहित की गोली मारकर हत्या, घटना में साथी तीर्थ पुरोहित हुआ घायल, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सिद्धार्थनगर प्रधानों ने वीडियो के मनरेगा के कार्य का भुगतान न होने पर किया प्रदर्शन, वीडियो पर लगाया सौतेला व्यवहार करता। उन्नाव में प्रमुख सचिव सिंचाई ने किया कटान का निरीक्षण, प्रमुख सचिव के साथ डीएम और एक्सीएन भी रहे मौजूद। गोंडा में अवैध निर्माण पर दबंगों को पूछना, गर्भवती महिला को पड़ा महंगा, दबंगों ने गर्भवती महिला को जमकर पीटा। सपा की सदस्यता अभियान की शुरुआत, अखिलेश यादव ने पांचवें नंबर पर ली शपथ, बोले गांव से शहर लोकतंत्र बचाने की करेंगे अपील। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए खिलौने वितरित किए, साथ ही लोगों को पौधारोपण करने की अपील की। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।